शासन की मंशा के अनुसार श्रम विभाग में पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिकों के ऐसे पुत्र पुत्रियों जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष के मध्य है, आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर उन्हें, जिसको लेकर प्रारंभ में जनपद आगरा देश भर के जिलों में आवासीय विद्यालय योजना का संचालन किया जाएगा। जनपद में निर्माण श्रमिकों के बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान हो सके, उसको लेकर प्रदेश सरकार ने आवासीय विद्यालय योजना को तैयार किया है। बता दें कि जनपद आगरा में फतेहपुर सीकरी रोड पर कोरे गांव में श्रमिकों के बच्चों के लिए विद्यालय तैयार किया जा रहा है। आगामी सत्र में जनपद के श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा मिल सके, उसको लेकर सरकार ने अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य प्राय देखा जाता है कि निर्माण श्रमिकों के बच्चे अपने माता पिता के साथ कार्यस्थल पर ही रहते हैं। माता पिता की गरीबी तथा साधनहीनता के कारण ऐसे बच्चे किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाते हैं अथवा प्रवेश लेने के बाद अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाते हैं। निर्माण श्रमिकों के ऐसे बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता अनुभवन करते हुए आवासीय विद्यालय योजना प्रस्तावित की गई है। योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराते हुए उन्हें गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा प्रदान करना है। आवासीय विद्यालय योजना के बारे में सहायक श्रम आयुक्त शेर सिंह ने विस्तार से जानकारी दी। हाँ, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, जिसे शॉर्ट में BUC बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, उसके द्वारा पूरे प्रदेश में 20 अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक प्राथमिकता है कि वो इसी वर्ष आने वाले सत्र में संचालित हो जाए, तो उनमें बहुत तेजी से कार्य चल रहा है और शीघ्र ही उनका संचालन भी प्रारंभ हो जाएगा। इसी आगामी सत्र में वो संचालित होने लगेंगे। आगरा में यह विद्यालय कोरई में बन रहा है और उसका लगभग 70% कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य भी शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। वही अगर शिक्षा की बात करें तो किस तरीके से, मतलब कॉल CBSE रहेगा, UP बोर्ड रहेगा, किस तरीके से? अभी ये पॉलिसी मैटर है और इसका डिसीजन उच्च स्तर से लिया जाना है और इसमें आवासीय विद्यालय होगा, सभी बच्चे वहीं स्कूल में ही रह करके विद्या प्राप्त करेंगे। अभी सब लोग शिक्षा के प्रति काफ़ी जागरूक हो चुके हैं और जितने भी श्रमिक भाई हैं जो हमारे यहाँ पंजीकृत हैं, उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, इसी के उद्देश्य से इन अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जाना है। तो आवासीय इसीलिए बनाया गया है कि बच्चे अगर घर से दूर रह करके स्कूल में शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उनका पूर्ण ध्यान पढ़ाई पर लगा रहेगा और वो अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकेंगे, बेहतर इंसान बन सकेंगे। उसमें नवोदय विद्यालय की तर्ज पर ये बनाए जा रहे हैं, तो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की पढ़ाई इन कॉलेजों में कराई जाएगी। छात्राओं को लेकर कुछ लक्ष्य भी रखा गया है विद्यालय के लिए? हाँ, अभी ऐसा तो लक्ष्य नहीं है, बट एक अनुमानित जो संख्या है वो लगभग 1000 की है, 1000 बच्चों की शिक्षा इन विद्यालयों में कराई जाएगी। कब तक अमल में आ सकती है इस योजना की? ये आगामी सत्र से ही अमल में आने वाली है। ठीक। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा 12 के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिकों के ऐसे पुत्र पुत्रियां जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष के मध्य है, आवासीय विद्यालयों में प्रवेश पाने के पात्र होंगे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट।